Good morning, students. I am your SST teacher, and today we are going to read chapter number 5, Judiciary, the part number 2. Are these different level of court connected to each other? क्या विभिन्न सब लेवल की जो कोर्ट हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं? यस दे आर, हाँ वे हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इन इंडिया, भारत के अंदर हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? एकीकृत है। मीनिंग, जिसका अर्थ है दैट द डिसीजन मेड बाय हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, जिसका अर्थ है कि जो हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं नीचे की सारी अदालत जो होती हैं उनको मानने पड़ते हैं। एनदर वे टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। एनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन, इस एकीकरण को समझने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? इज थ्रू द एपलेट सिस्टम, वो किसके माध्यम से है? अपील की व्यवस्था से, दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भारत के अंदर विद्यमान है। जो एपलेट जो सिस्टम है, जो अपील की जो व्यवस्था है भारत के अंदर जो विद्यमान है, हम अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं एपलेट सिस्टम। जैसे ये एपलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भारत के अंदर है। दिस मीन दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हाई कोर्ट, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है ना हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अगर वो महसूस करता है कि जो जजमेंट है, जो निर्णय है, जो लोअर कोर्ट ने पास्ड बाय द लोअर कोर्ट ने जिस निर्णय को पास कर दिया, जो निर्णय दे दिया, तो वो आदमी जो है हाई कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। तो इसको बोलते हैं बेटे एपलेट सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड, आओ हम समझते हैं व्हाट वी मीन बाय द एपलेट सिस्टम बाय द ट्रैकिंग ए केस। हम जो अपील की जो व्यवस्था है, जो एपलेट जो सिस्टम है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? बाय ट्रैकिंग ए केस, भाई एक जो मुकदमे पर विचार करके, कैसे? स्टेट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य कौन सा है? दिल्ली प्रशासन, वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, और किसके खिलाफ है? लक्ष्मण कुमार और दूसरे हैं, 1985, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। मुकदमा कहाँ से कहाँ है? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन फेब्रवरी 1980, लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर्स ओल्ड सुधा गोयल एंड दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण्स ब्रदर एंड देयर फैमिली। 1980 फरवरी में लक्ष्मण कुमार की जो शादी है 20 वर्षीय सुधा गोयल के साथ हो जाती है, और वे जो है दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे विद लक्ष्मण्स ब्रदर, जिसमें कौन कौन रहता था? लक्ष्मण का भाई और उनका परिवार। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन ए हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। तो 2 दिसंबर 1980 को सुधा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर ड्यू टू बर्न, किससे? जलने से। सुधा जो है जल जाती है और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है। हर फैमिली फाइल्ड ए केस, उसका जो सुधा का जो परिवार है उसने केस फाइल किया इन कोर्ट अदालत के अंदर। व्हेन द केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, जब निचली अदालत के अंदर मुकदमा सुना गया, 4 ऑफ द नेबर वर कॉल्ड एज विटनेस, जो विटनेस मतलब गवाह के रूप में,
गवाह के रूप में चार पड़ोसियों को बुलाया गया। दे स्टेटेड, उन्होंने कहा, दैट ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1, दिसंबर 1 की रात को, दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम, उन्होंने हर्ड माने सुना, सुधा की स्क्रीम माने चीख, उन्होंने सुधा की चीख को सुना, एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, और वे बलपूर्वक लक्ष्मण के फ्लैट के अंदर घुस गए। देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी फ्लेम्स, उन्होंने वहाँ देखा कि सुधा की जो सारी थी उसमें से क्या था, लपटें निकल रही थी। दे एस्टिंग्विश, एस्टिंग्विश होता बुझाना, द फायर माने आग को, बाय रैपिंग माने होता लपेटना, सुधा, उन्होंने सुधा को लपेटा किसके अंदर, इन ए गनी बैग, बोरी के अंदर, एंड ए ब्लैंकेट, और कंबल में, उन्होंने सुधा को बोरी और एक कंबल जो थी उसके अंदर लपेटा और आग को बुझा दिया। एस्टिंग्विश होता आग को बुझाना। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उन्हें बताया, दैट हर मदर इन लॉ, उसकी जो सास थी, मदर इन लॉ मतलब सास, शकुंतला जिसका नाम है, हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल ऑन हर, उसने उसके ऊपर जो ना केरोसिन ऑयल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण, और उसका जो पति लक्ष्मण है, हैड लिट द फायर, और उसने आग जला दी ड्यूरिंग द ट्रायल, पेशी के दौरान। भाई सुधा कि जो सास थी शकुंतला, उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, और उसका पति जो लक्ष्मण था उसने उसको पर आग जला दी ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल माने मुकदमा, मुकदमे के दौरान। नंबर ऑफ सुधाज फैमिली, जो मेंबर थे सुधा के परिवार के, जो मेंबर थे, हेड एंड ए नेबर, और एक पड़ोसी, सुधा के परिवार के जो मेंबर थे, ससुराल वाले जिसको कह सकते हैं, और एक पड़ोसी, स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, कि जो सुधा मेंबर ऑफ सुधा फैमिली, सुधा के परिवार के सदस्य और एक जो पड़ोसी था, उन्होंने कहा कि सुधा हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, सुधा को जो है बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था बाई हर इन लॉज। यहाँ पे देखिए बेटे, ऊपर ध्यान दीजिए, जो मेंबर ऑफ सुधा फैमिली, निचली जो अदालत थी उसमें सुधा के जो परिवार वाले जो सदस्य थे और एक पड़ोसी ने ये कहा कि सुधा को जो है उनके ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा सताया जाता था, एंड दैट देवर डिमांडिंग मोर कैश, ज़्यादा नकदी की मांग कर रहे थे, ए स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सुधा के जो इनलॉज थे, जो ससुराल वाले थे, वे पहले बच्चे के जन्म पर नकदी की, स्कूटर की और फ्रिज की मांग कर रहे थे, एज पार्ट ऑफ देन डिफेंस, तब सुरक्षा की तरफ से, लक्ष्मण एंड हिज मदर, लक्ष्मण और उसकी माँ, स्टेटेड का दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर, कि सुधा की जो साड़ी थी वो दुर्घटनावश उसमें आग लग गई, वाइल सी वाज ईटिंग मिल्क, जब वह दूध गर्म कर रही थी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस आधार पर, एंड अदर एविडेंस, और दूसरे गवाहों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, द ट्रायल कोर्ट, जो निचली अदालत थी, ट्रायल कोर्ट मतलब निचली अदालत, कन्विक्टेड लक्ष्मण, उन्होंने लक्ष्मण को दोषी पाया, हिज मदर शकुंतला और उसकी माँ को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और जो सुधा का जो जेठ था सुभाष चंद्र जिसका नाम है, एंड सेंटेंस ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, और इन तीनों को मौत की सजा सुनाई गई, किसके द्वारा, लॉयर कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो है सुधा की जो सास शकुंतला, उसका हस्बैंड जो है लक्ष्मण, और उसके जो जेठ थे ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को मौत की सजा सुनाई। इन नवंबर 1983 द थ्री अक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट।
जो तीनों जो दोषी थे वेंट टू द हाई कोर्ट, वे कहाँ चले गए भाई, हाई कोर्ट पहुँच गए टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट, जो निचली अदालत थी उसके फैसले के विरुद्ध अपील के लिए तीनों जो दोषी थे कहाँ पहुँच गए, हाई कोर्ट के अंदर। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ ऑल द लॉयर, जो हाई कोर्ट था उसने सभी जो लॉयर थे उनकी जो बहस थी उसको सुनने के बाद, आर्गूमेंट होता बहस करना, सभी जो लॉयर थे उनकी बहस को सुनने के बाद डिसाइडेड, ये निर्णय दिया, दैट सू द हेड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव, जो हाई कोर्ट का फैसला था सुधा की जो मौत हुई थी ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर, और दुर्घटनावश जो आग हुई उससे हुई, कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव, किसके कारण दुर्घटना किसके कारण हुई, जो केरोसिन स्टोव था, जो मिट्टी का, जो मिट्टी के तेल से चलने वाला जो स्टोव था उससे दुर्घटना वंश सुधा की मौत हुई। लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष चंद्रा वर एक्विटेड, लक्ष्मण शकुंतला और सुभाष चंद्र जो उसका ज्येष्ठ थे सुधा के, वर एक्विटेड, उनको जो है ना बरी कर दिया गया। यू मे रिमेंबर, आपको याद होगा द फोटो एसे ऑन द विमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक, कि जो फोटो एसे है, जो फोटो निबंध है महिला आंदोलन का, आपकी जो 7th की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा, यू रीड अबाउट, आपने ये पढ़ा अबाउट हाउ इन 1980, कैसे 1980 के अंदर विमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री की पूरे देश की महिलाओं ने स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, कि उन्होंने जो है ना दहेज हत्या के विरुद्ध आवाज़ उठाई, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, उन्होंने जो है अदालत की असफलता के का विरोध किया और इन जो केसेस थे डाउरी केसेस जो थे इनको न्याय देने की बात कही। द अबो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट थे, अबो हाई कोर्ट जजमेंट, जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट थे डीपली ट्रबल्ड वुमेन, उसने महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, एंड दे हेल्ड डेमोस्ट्रेशन, और उन्होंने डेमोस्ट्रेशन होता प्रदर्शन करना, और उन्होंने प्रदर्शन किया, एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील, और अलग से, सेपरेट अपील का मतलब होता बेटे अलग से अपील की अगेंस्ट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के विरुद्ध डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर, भाई जो उच्च न्यायालय के जो फैसले थे उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई, यह अपील जो थी इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से ये जो है ना अपील दायर की गई थी। इन 1985 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द टू मेंबर ऑफ हिज फैमिली, 1985 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले खिलाफ अपील जो की गई थी उस पर सुनवाई शुरू कर दी। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गूमेंट ऑफ द लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गूमेंट थी, जो बहस थी लॉयर्स की, वकीलों की, उनको सुना, एंड रीच द डिसीजन, और इस फैसले पर पहुँचे दैट द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, जो फैसला था वो क्या था, हाई कोर्ट से डिफरेंट था, अलग था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, दे फाउंड, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे उन्होंने पाया लक्ष्मण और उसका, उसकी जो माँ थी उनको अपराधी पाया, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन जो उसके ज्येष्ठ थे सुभाष को उन्होंने बरी कर दिया, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उन्होंने उसके विरुद्ध कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्विज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ, और जो सुप्रीम कोर्ट था उसने निर्णय लिया कि जो दोषी है उसको आजीवन कारावास के लिए
आजीवन कारावास के लिए जो है सजा सुनाई। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसकी अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं। द अबो केस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। दहेज हत्या का जो मामला है ये कैसा है भाई, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ये समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ये एक जो फौजदारी जो कानून है इसका उल्लंघन है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, जो फौजदारी जो क्रिमिनल जो लॉ फौजदारी जो कानून है इसके अतिरिक्त द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। जो लीगल सिस्टम है हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो क्या करती है, डील्स विद सिविल लॉ केसेस। वह जो है दीवानी जो कानून होते हैं जो सिविल लॉ होते हैं इन मामलों को भी देखती है। यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ द हाउ इज न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कैसे एक नया सिविल लॉ जो था 2006 के अंदर पास हुआ, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके अंदर महिलाओं को सुरक्षा दी गई घरेलू हिंसा के विरुद्ध। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड, जो नीचे दी गई जो टेबल है इसको देखिए और समझिए। सम ऑफ द डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कुछ महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है अंतर है बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। जो क्रिमिनल और जो डिफरेंस है कौन कौन से हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच में जो डिफरेंस है वो हम जो टेबल जो है नीचे दी गई है हम उसके माध्यम से हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे। वी क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। डील्स जो क्रिमिनल लॉ है वो देखिए, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, आस्किंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। जो फौजदारी जो कानून है डील्स वे किससे संबंधित हैं, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट, ये व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं। कंडक्ट व्यवहार, एक्ट माने क्रियाएं, किससे साथ डील करते हैं, कंडक्ट और एक्ट के साथ। व्यवहार और क्रियाएं कौन कौन सी, दैट द लॉ डिफाइन, जो कानून जो होता है वो बताता है एज ऑफेंस, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी करना, हरासिंग वोमेन, किसी महिला को तंग करना, टू ब्रिंग मोर डाउरी, ज़्यादा दहेज लाने के लिए, मर्डर, हत्या करना। अब सिविल लॉ को देखिए, पहले हमने डील किया था क्रिमिनल लॉ को, अब इसका पॉइंट जो है रिलेटेड सिविल लॉ। डील विद एनी हार्म और इंजरी, जो सिविल लॉ है वो किससे डील करता है, किसी हार्म से, किसी अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, या अवेलना, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है या अवेलना होती है ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल लैंड, कोई झगड़ा होता है किसी जमीन की बिक्री से, परचेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का खरीदना, रेंट मैटर, जो किराए, किराए के मामले, डाइवोर्स केसेस, डाइवोर्स जो तलाक के मामले हैं ये सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्रिमिनल लॉ, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है इसकी फुल फॉर्म है बेटे, ये आमतौर पर आरंभ होता है किससे, कि हम अपील करते हैं, हम लॉज करते हैं, एक FIR लॉज करते हैं, FIR दायर करते हैं किसके अंदर, विद द पुलिस, पुलिस के पास, हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम। इन्वेस्टिगेट होता है जांच पड़ताल करना, जो अपराध की जांच पड़ताल करती है। आफ्टर ए केस इज फाइल्ड इन ए कोर्ट,
और इसके बाद जो अदालत में केस फाइल किया जाता है। अब देखिए सिविल लॉ के अंदर ए पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट, एक याचिका दायर की जाती है कहाँ पे, रेलेवेंट कोर्ट, जो प्रभावित जो अदालत होती हैं, जो प्रभावित पक्ष की ओर से जो अदालतें होती हैं उस अदालत के अंदर एक याचिका दायर की जाती है बाय द अफेक्टेड पार्टी, प्रभावित पार्टी के द्वारा, इन ए रेंट मैटर, कौन सी चीज़ें, किराए के मामले, एदर द लैंडलॉर्ड और टीनेंट कैन फाइल ए केस, या तो कोई लैंडलॉर्ड होता है या मकान मालिक या किराएदार जो है ये मुकदमा दायर कर सकता है। पॉइंट थर्ड, इफ फाउंड गिल्टी, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड, भाई जो क्रिमिनल लॉ के तहत कोई भी आदमी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, जेल में भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ, जो हमारे सिविल लॉ के अंदर जो टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड के जो डिस्प्यूट होते हैं, और द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ, अदालत जो है राहत की व्यवस्था करती है। आस्क्ड फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर इन ए केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट, अगर कोई केस है किसके बीच में, मकान मालिक और किराएदार के बीच में, कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड, जो अदालत है वो आदेश देती है कि या तो भाई जो मकान को जो खाली कर दें, एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, और जो बचा हुआ जो किराया है उसको भी पे कर दें। फिल इन द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के तहत जो नीचे आपने जो अब तक रीड किया है वो आप इस टेबल के अंदर भर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेंस, जैसे उल्लंघन का जो विवरण है, ए ग्रुप आर परसिस्टेंटली हरास्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हरास्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बॉयज व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल, एक लड़के लड़कों लड़कियों का जो समूह है उसको जो है तंग किया जाता है लड़कों के समूह के द्वारा, जब लड़कियां स्कूल में जाती हैं उस समय, तो आप ये देखेंगे ब्रांच ऑफ लॉ कौन सी ब्रांच ऑफ लॉ है, सिविल है या क्रिमिनल है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, अपना ये प्रक्रिया कैसी फॉलो की जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, ए टेनेंट हु इज बींग फोर्स टू मूव आउट फाइल ए केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, एक जो किराएदार है को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है बेचारे को, एंड और जो वह मकान मालिक के खिलाफ जो है ना अदालत में मुकदमा करता है, उसे ये बताना है ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है। तो बेटे आपने पता है कि जो है इस प्रकार के जो टीनेंट और लैंडलॉर्ड के जो मामले होते हैं वो हमारे सिविल लॉ के अंदर आते हैं, तो आपने इसको रीड करना है और ये देखना आपकी बुक के अंदर ये टेबल है और इसको आपने फिल करना है। डज एवरी वन हैव एसेस टू द कोर्ट, क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है, तो ये आगे का जो पार्ट है बेटे नेक्स्ट टाइम वी शैल रीड इन द नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, तो आपने जो ना लेसन को ध्यान से रीड करना बेटे, और जो पीछे का आपने जो रिटन वर्क है उसको आप टाइमली चेक कराते रहें। आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जो पिक्चर है उसको आप फोटो लीजिए और उसको जो है ना आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर डालिए ताकि मैं उसको टाइमली चेक करता रहूँ। ओके, थैंक यू।